यहीं से यहाँ पर डोर खुल जाएगा, खुल के आप अंदर गए, ये बेड आएगा, यहाँ पर एल विंडो भी प्लान होगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट फिक्स विंडो भी प्लान होगी, बेड के बैक के पीछे विंडो नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसके बिल्कुल अपोजिट जो स्पेस है ना, स्पेस के अंदर पाउडर रूम की एंट्री नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम एक वॉशरूम को अटैच भी छोड़ रहे हैं, कॉमन भी छोड़ रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका एक रूम है जो विदाउट क्लैरिटी हो जाए। मंदिर देख लो, ये रहा मंदिर, ये नॉर्थ ईस्ट का कोना है आपका, यहाँ पे यहाँ मंदिर प्लान होगा, यहाँ से नीचे से रास्ता है, सीढ़ियों के नीचे नहीं आया, कई जगह पे नोर मारते सीढ़ी के नीचे नहीं आना, अब सीढ़ी के नीचे मैंने स्पेशल दिखाया आपको कि सीढ़ी के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डुप्लेक्स का कट रहेगा, ये शैडो एरिया तो नहीं हो जाएगा ना, क्या जी ये वाला मंदिर का नहीं, इसके नीचे से खाली है ना, ये खाली, ये मतलब छत पूरी आएगी ऊपर, ऊपर आएगी टॉप पे, टॉप पे आएगी, टॉप पे देखो, ये देखो नीचे से मोर मंदिर देखो, अच्छा देख लो, मंदिर आपका प्रॉपर है और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे है, तो यहाँ पर मंदिर की प्लानिंग हो रही है, आप मंदिर को यहाँ भी ले सकते हैं, आप मंदिर को यहाँ भी ले सकते हैं, अगर मान लो इग्नोर माना चाहो तो मंदिर को यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फिर किचन में डाल रहे हो, अगर लगता है अभी नहीं, इस साइड नहीं है इस रूम से इस फाउंटेन का व्यू है, इस रूम से इस फाउंटेन का व्यू लेंगे, हम सारे व्यूज को देख रहे हैं तभी एलिवेशन बढ़िया बनेगा, इसको इसका व्यू आ रहा है, यहाँ से आपको पार्क का व्यू मिल रहा है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, पार्क भी मतलब इतनी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 3 फुट लिया है, मैक्सिमम 3 फुट है, इस ऊपर नहीं, उसके अंदर ये ट्रीज लग जाएंगे, मतलब इतना साइज निकल जाएगा, जैसे बाहर निकाल निकल जाएगा, निकाल लेते हैं लोग, निकालते 3 से ज़्यादा निकाल लेते हैं, तो हम 3 ही फुट लेंगे भाई, अपने लिमिट कितना, जैसे कितना होगा 3 फुट, ये भी आपकी लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है सर, कि भाई ये चीज़ इसमें थी, ये सारी चीज़ हम देख के चलते हैं, अब ये रहा आपका दूसरा रूम, बस इसमें ड्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने ड्रेसिंग उधर दे दिया, वो रहा ड्रेसिंग वाला, ये रहा आपका नॉर्मल वाला भी, नॉर्मल भी इसके साथ भी वॉशरूम अटैच है, और ये एक तरीके से कॉमन भी है, ठीक है, जो लिविंग एरिया में आ रखा है, मान लो इनके से वॉशरूम की नीड पड़ती है, वो ऐसे जाएगा यूज करके वापसी आ, रूम के साइज दोनों के सेम है, एक ये ऑप्शन चलता है आपके घर के लिए, डाइनिंग एरिया नहीं बनाया ये, और वो भी इतना रूम नहीं, यहाँ से यहाँ तक रूम नहीं बनाया, नहीं ये पूरा ही रूम है, रूम के ऊपर रूम है, रूम के ऊपर रूम ही बनेगा, वॉल टू वॉल ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉलम बीम्स का स्ट्रक्चर नहीं बना, तो फिर आप ऊपर ये क्या सोचते हो, किचन और ये अपना वॉशिंग एरिया ना, ये यहाँ क्या, यहाँ टेरेस गार्डन बनाने के लिए, अच्छा, और जो पार्किंग वाला, पार्किंग वाला जो ये सब प्लानिंग है,